नमस्कार दोस्तों, कैपेसिटी डे में आप सबके स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग के लिए लेके नई कैंपस प्लेसमेंट का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, सुजुकी मोटर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों ये जो कंपनी है दोस्तों हंसलपुर गुजरात में है, तो आप लोग जॉब लोकेशन भी गुजरात में दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मैं इसी कैंपस प्लेसमेंट के बारे में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ। दोस्तों उसके साथ दोस्तों जिस कॉलेज में लगाने के लिए जा रही है उस कॉलेज का मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देने वाला हूँ, ताकि दोस्तों आप लोग को जाने से पहले उस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं या जो भी डाउट हो वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कैंपस दिनांक रखा गया दोस्तों 10 जुलाई 2023 को कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, तो उसी दिन आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। कहाँ जाना दोस्तों एड्रेस में आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें जो स्टूडेंट भाग ले सकते हैं वो 10th के साथ आपका IT कंप्लीट होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको दो तरह का जॉब दिया जा रहा है दोस्तों, इसमें FT के तहत आपको लिया जाएगा एंड आपको इसमें अप्रेंटिसशिप भी करवाया जाएगा, तो दोनों में से जो आप करना चाहते हैं दोस्तों वो कर सकते हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट इससे पहले अप्रेंटिसशिप नहीं किए वो अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा, और जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो FT के तहत जॉब कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों जो अभी आपको सैलरी दिया जाएगा वो दोस्तों FT वालों को 21,000 रुपया दिया जाता है, और जो दोस्तों अप्रेंटिस वाले हैं उनको यहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ दोस्तों सैलरी दिया जाता है। तो दोनों में दोस्तों थोड़ा सा सैलरी का डिफरेंट रहता है, बाकी ज़्यादा नहीं, और बाकी जो भी फैसिलिटी होगा दोस्तों सेम फैसिलिटी आपको मिलने वाला है जो अप्रेंटिस वालों को भी और FT वालों को भी। सिर्फ अप्रेंटिस वालों को जो दोस्तों इसमें PF नहीं दिया जाता, बाकी सब कुछ आपको दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें बाकी की जो भी जानकारी सारा कुछ मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल्स में दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए समझिए, उसके बाद ही दोस्तों आप लोग कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे, ताकि दोस्तों हमें जाना आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं सुजुकी मोटर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी नाम दिया गया सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जो कंपनी है दोस्तों हंसलपुर प्लान गुजरात में, तो आप लोग जॉब लोकेशन भी वहीं पे दिया जाएगा। यहाँ पे अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी कब स्थापित हुई थी, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, कितना 1,000 करोड़ रुपए कंपनी बन चुकी है दोस्तों, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों इसका कहाँ कहाँ प्लांट है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है इसमें दोस्तों IT पास आउट स्टूडेंट को लिया जा रहा है, चाहे आप IT NCVT से किए SCVT से किए, चाहे आप गवर्नमेंट IT कॉलेज से IT किए प्राइवेट कॉलेज से किए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इसमें भाग लेकर जॉब पा सकते हैं। और भी आपका जो 10th में 40% नंबर होना चाहिए और IT में 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग जाने से पहले अपना जो परसेंटेज देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाएंगे। सुजुकी मोटर रिकॉर्ड जो IT ट्रेड यहाँ पे दिया गया दोस्तों, वो ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया, फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COE, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर जनरल, ये सब ट्रेड दिया गया दोस्तों। तो जिनका जिनका ट्रेड है वही केवल इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं, अदर ट्रेड वालों को इसमें नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जाने से पहले अपना अपना ट्रेड देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाएंगे। जो IT पास आउट ईयर दिया गया 2018-19-20-21-22 पास आउट स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, तो जो 2018 से 22 तक पास किए वही केवल इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। जो दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट एज दिया गया वो 18 से 24 रखा गया दोस्तों, तो जिनका एज 18 से 24 साल के बीच में वही केवल जाएंगे, नहीं आपका एज 18 से कम होना चाहिए, नहीं 24 साल से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जाने से पहले अपना एज लिमिट काउंट कर लीजिएगा, पासिंग ईयर देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाएंगे। जो इसमें आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है वो दोस्तों यहाँ पे दो तरह का जॉब दिया जा रहा है, अप्रेंटिसशिप करवाया जा रहा है और FT के तहत जॉब दिया जा रहा है दोस्तों। तो दोनों में से जो आप करना चाहते हैं दोस्तों कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट इससे पहले अप्रेंटिसशिप नहीं किए वो अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा, क्योंकि फिर से आपको दोबारा FT करने का मौका मिलेगा दोस्तों। जेंडर ओनली मेल कैंडिडेट को इसमें लिया जा रहा है, एक्सपीरियंस की बात कर लेते तो फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जा रहा है, कोई इसमें दोस्तों जो है एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जॉब लोकेशन हंसलपुर गुजरात प्लांट में आपका दिया जाएगा। सैलरी की बात कर लेते तो सैलरी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 21,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे सैलरी दिया जा रहा है, इसमें से आपको CTC वगैरह काटा जाएगा, जो काटकूट के हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा 14,925 रुपए पर मंथ दोस्तों आपको सैलरी दिया जाएगा। जो दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो रिटर्न टेस्ट एंड फेस टू फेस आपका इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। तो रिटर्न टेस्ट में इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, फेस टू फेस इंटरव्यू में भी आपको इजीली क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें लिया जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जो भी स्टूडेंट जाएंगे आपको इसमें ले लिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है कैंपस प्लेसमेंट वो अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, IT का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, फोटो 4 कॉपी कलर वाला, बैंक का पासबुक, ये सब डॉक्यूमेंट का लेके जाना है दोस्तों। इन सारे डॉक्यूमेंट का 2-3 कॉपी जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाएंगे दोस्तों। उसके साथ जो दोस्तों आप वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट वहाँ पे जाने के बाद मांगा जाए दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस इंटरव्यू डिटेल्स जो दिया गया वो 8 जुलाई 2023 को कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है,
टाइम सुबह 9 बजे आपको जाना। देख सकते हैं वो वेन्यू एड्रेस दिया गया, सरदार पटेल प्राइवेट आईटीआई जो संत कबीर नगर जो तिघरा ब्लॉक जो देख सकते हैं भागोलिया डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। तो आप लोगों को वहीं पे जाना पड़ेगा दोस्तों। और जस्ट जाने से पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं कि अदर स्टेट वाले जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं या दूसरे कॉलेज वाले जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग जाने से पहले जरूर इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप लोगों को बहुत सारा लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो आप अगर मारुति सुजुकी टीडब्ल्यू में जॉब करना चाहते हैं दोस्तों तो उसका भी लिंक अभी ओपन है, मारुति सुजुकी सीटीएस का भी लिंक अभी ओपन है दोस्तों, और सुजुकी मोटर का भी दोस्तों अभी लिंक ओपन है सीटीएस का। और मारुति सुजुकी जो टीडब्ल्यू कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जरिए है गवर्नमेंट आई टी पटेला पंजाब में, उसका भी दोस्तों यहाँ पे लिंक दिया गया। तीन सारे का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, वहां से जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों मेरा जो वेबसाइट है www.inkrishnan.com उस वेबसाइट पे आप जाएंगे दोस्तों तो वहां पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो भी यहां पे नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है आपको। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर कर देना ताकि उनको भी इस कैंपस प्लेसमेंट के बारे में पता चले। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।